So today we'll take some numericals for the combination of cells. So I have question number 1 that says 12 cells each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm are arranged in m rows each containing n cells. So हमें दे रखा है कि m rows हैं, m parallel combinations हैं और n number of cells जो हैं वो series में connected हैं. As shown in the figure, तो ये figure भी आपको given है. The value of n and calculate the value of n and m for which this combination would send maximum current through R is equal to 1.5. So आपको R की value भी 1.5 ohms given है कि जो external resistance है उसके across आपको current कैसा चाहिए, maximum चाहिए. So अगर हमें combination n दे रखे हैं और m rows दे रखे हैं तो हमारे पास total number of cells m into n, वो ये सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया, 12. फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m. सो आपके पास m की वैल्यू आ जाती है 12 बाय n. दिस इज फर्स्ट पार्ट. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट. तो हमने जब सेल कॉम्बिनेशंस किए थे तो हमारे पास कंडीशन थी मैक्सिमम करंट के लिए कि योर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस. सो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए. इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल आर, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है आपका कैपिटल आर. तो अगर ये कॉम्बिनेशन हमारे पास है तो यहाँ पर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस अकेला नहीं है, उसके पास एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं. तो टोटल इंटरनल, यहाँ पे बल्कि हम टोटल लिख देते हैं, तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस आपको चाहिए आर टोटल. तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि सेल एन कॉम्बिनेशन जो है वो सेल का है और वो सीरीज़ में है. तो जब आप सीरीज़ में कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आर कॉम्बिनेशन फॉर सीरीज आ जाता है आर. हर एक का आर ही है रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस उसने कॉमन बोला है विच इज़ 0.5. तो अगर आप एन नंबर ऑफ सेल्स एन टाइम्स इसका कॉम्बिनेशन आप लेंगे अप टिल एन, तो आपके पास आ जाएगा एन आर. और अगर यही आप पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना चाहेंगे 1/r ऑफ पी, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/r एन आर प्लस 1/nr, और ये चलता रहेगा अप टिल mth तक nr. तो इसका मतलब हमारे पास r टोटल, जो r टोटल था वो किसके बराबर आ गया, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि r p का रेसिप्रोकल वो हो जाता है आपके पास nr by m. सो दिस इज़ योर टोटल रेसिस्टेंस. ये रेसिप्रोकल था, लेकिन रेसिप्रोकल को अगर आप, यानी इसका कॉम्बिनेशन जो हमारा आया था वो था आपके पास m by nr, वो था 1/rp, लेकिन हमें टोटल चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल करके, तो वो आया आपके पास nr/m. इसको हमने टोटल रेसिस्टेंस से कंपेयर कर दिया. नाउ यू आर ऑलरेडी गिवन विद द वैल्यू ऑफ 1.5, वो भी गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है विच इज़ योर 0.5, और हमारे पास m n की वैल्यू, यानी m की वैल्यू हम यहाँ इस क्वेश्चन से यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं. तो आपका दोबारा सॉल्व करते हैं, दोबारा प्लेस करने पर वैल्यूज़, n तो एज इट इज़ रहेगा, r की वैल्यू 0.5, और नीचे आपके पास 12 आ गया, m की वैल्यू 12 बाय n थी विच इज़ इनटू n. तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकालेंगे, इट कम्स आउट टू बी 6. सो n की वैल्यू आपके पास 6 आ गई है, और ऊपर कॉम्बिनेशन में m कितना है, 12 बाय n, तो m की वैल्यू फिर से आपके पास आ जाएगी 2. सो ये हमारे पास आंसर आ जाता है फॉर दी दिस सर्किट. यहाँ हमने याद रखिए कि हमने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लिए थे, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यानी सीरीज़ भी हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हैं. तो जब हमने सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स्ड केस लिया था तो उसमें मैक्सिमम करंट निकालने की कंडीशन थी दैट योर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस. तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, और हमने वही कंडीशन यहाँ पर लगाई है सो एज टू कैलकुलेट द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन दिस क्वेश्चन टू सेल्स ऑफ EMF 1 and 2, यानी दोनों सेल्स का EMF इस टाइम इक्वल नहीं है, लास्ट केस में हमारे पास इक्वल था, और दोनों का रिस्पेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस भी अलग अलग है, और दोनों सेल्स को हम एक केस में आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, इनको हम एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. व्हाट शुड बी द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन द सर्किट सो दैट द करंट थ्रू द रेसिस्टेंस बी सेम इन द टू केसेस. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझ लेते हैं कि उन्होंने कहा कि दो सेल्स हैं, दोनों सेल्स को हमने एक बार सीरीज में कनेक्ट करना है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करना है. तो हमें उस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू बतानी है कि जिसे हम कनेक्ट करें दोनों सर्किट के अंदर, लेकिन उससे हमारी कंडीशन क्या आ रही है कि हमारा सीरीज का करंट और
पैरेलल कॉम्बिनेशन का करंट जो है वो इक्वल आ रहा है, ये गिवन पार्ट है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन का करंट और पैरेलल कॉम्बिनेशन का करंट हमारा इक्वल आ रहा है। तो हमारा काम है सबसे पहला कि हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करंट निकालें। तो करंट, टोटल करंट का फॉर्मूला होता है टोटल EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो अगर आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पहला केस ले लें हम सीरीज़ का, सीरीज़ केस में EMF टोटल किसके बराबर होती है, E1 प्लस E ऑफ 2। तो यहाँ पर E1 आपको 1 दे रखी, E2 आपको 2 दे रखी, तो नेट आ गई 3 वोल्ट आपकी नेट EMF आ गई। अब टोटल रेसिस्टेंस यानी इंटरनल रेसिस्टेंस निकालें। इंटरनल रेसिस्टेंस अगर हम बात करते हैं, पहले टोटल, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सो दिस इज़ आर टोटल, स्मॉल टोटल निकालते हैं। तो 2 प्लस 1, ये सीरीज़ में है तो ये भी 3 हो गया, 3 ओम्स ये आ गया। लेकिन जब आप यहाँ प्लेस करेंगे तो आपको एक्सटर्नल भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सर्किट के अंदर थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस देयर शुड बी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर, वही हमें निकालनी है। तो हम इसको रीअरेंज करके मैं प्लेस करती हूँ यहाँ पे वैल्यूज एंड देन वील रीअरेंज इट। सो हमारे पास करंट इन सीरीज आ जाता है 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आर। अब हम निकालते हैं करंट इन पैरेलल, लेकिन करंट इन पैरेलल निकालने के लिए फॉर्मूला तो सेम ही है, बट अब हमें वैल्यू पहले इक्विवेलेंट पोटेंशियल की और इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट EMF की और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी यूजिंग द फॉर्मूला। सो लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करते हैं यू विल गेट द आंसर एज 5/3 इक्विवेलेंट EMF के लिए। सिमिलरली आप यहाँ जब वैल्यूज प्लेस करेंगे यू विल गेट द आंसर 2/3। अब हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालनी थी IP, उसमें हम वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द IP एंड IP में वैल्यू प्लेस करें 5/3/2/3 + R एंड आफ्टर सॉल्विंग इट विल बिकम 5/2 + 3 R। सो जब हमारे पास वैल्यू आ गई, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दैट वॉज योर इक्वेशन नंबर 1। हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं क्योंकि हमें गिवन है IP इज इक्वल टू I ऑफ S, दिस वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। सो अब हमें दोनों की वैल्यूज प्लेस करनी है, तो आपके पास इक्वेशन आते हैं दिस इम्प्लाइज 3/3 + R इज इक्वल टू 5/2 + 3 R। क्रॉस मल्टीप्लाई देम एंड सिंप्लीफाई यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R एज 9/4 ओम। ये आपका आंसर है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2.25 ओम। सो ये हमारा आंसर आया था इस क्वेश्चन के लिए। सिमिलरली लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन दिस सर्किट इज बीइंग गिवन एंड यू आर गिवन विद अ हीटर इज डिजाइन टू ऑपरेट इन द पावर ऑफ 1000 वॉट इन अ 100 वोल्ट लाइन। इट इज कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन विद द रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो यानी कि हमने एक हीटर लिया और हीटर का पावर और वॉट वोल्ट्स, जितने वोल्ट लाइन पे वो अप्लाई कर रहा है या वर्क कर रहा है वो आपको गिवन है, और उसको हमने 10 ओम रेसिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है, और जो सप्लाई आपने प्रोवाइड की है वो 100 वोल्ट की। ये लिखा है यहाँ पे कॉम्बिनेशन विद रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड रेसिस्टेंस आर टू दी 100 वोल्ट मेन, मतलब कि आपने 100 वोल्ट मेन्स प्रोवाइड किया मगर एक रेसिस्टेंस आर भी कनेक्ट कर रखा है। तो दो रेसिस्टेंस से कनेक्ट किया गया और ऐसे कनेक्ट किया गया जैसे आपको ये फिगर में दिखाया है। तो व्हाट दे आर आस्किंग इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर, हमें ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट द हीटर ऑपरेट्स विद द पावर ऑफ दिस मच। यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी तो हीटर की इतनी थी, 100,000 वॉट का था वो, और उसके ऊपर सप्लाई जितनी वो बियर कर सकता था वो था 100 वोल्ट, लेकिन वो पावर जनरेट कर रहा है यानी कि उसकी जो पावर ऑपरेट कर रहा है जिस पावर पे वो है 62.5 वॉट। सो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका रेसिस्टेंस कितना है। ये हमें वैल्यू क्या निकालनी थी, हमें आर निकालना है, तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है। तो अगर ये रेसिस्टेंस हमें चाहिए तो यहाँ हमें करंट पता होना चाहिए सर्किट के अंदर, ये करंट आई मानते हैं। तो लेट अस से इसके अक्रॉस जो करंट है वो हमें पता होना चाहिए और इसके अक्रॉस पोटेंशियल है वो हमें पता होना चाहिए, तो ही हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होगा हम पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम इसकी मतलब हीटर की पोटेंशियल निकाल लें अगर, तो क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो जो पोटेंशियल हीटर का होगा वही इसका भी होगा। सो हम पहले रेसिस्टेंस निकालते हैं हीटर का, क्योंकि हमें रेसिस्टेंस भी नहीं पता। तो जो गिवन डेटा है वो है 1000, ये आपको वोल्ट्स भी दे रखा है, वो है वो रेसिस्टेंस का। अगर आप बेसिक फॉर्मूला लगाएं तो वी आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय पी, पावर होता है वी आई,
और यहीं से आप अगर रेसिस्टेंस की टर्म्स में लाना चाहते हैं तो आई आर रिलेशनशिप हो जाता है, या फिर आप पावर की टर्म्स में निकालना चाहते हैं देन वी कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आई. आई क्या होता है? वी बाय आर. तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर. आई की वैल्यू आपने पुट की है. आई इज गिवन एज वी बाय आर होता है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो वी स्क्वायर बाय आर के फॉर्म में आ गया. तो यहाँ आर आपको इधर लिख देना है, पावर नीचे आएगा, तो फॉर्मूला हो गया ये होता है जो गिवन उस पर जो वैल्यू गिवन होती है, यानी कि जो आपकी वोल्टेज की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की, वो वैल्यूज हैं ये वाली. तो यहाँ से आप रेसिस्टेंस जो है उसका निकाल सकते हैं. तो मैं लगा देती हूँ यहाँ पे 100 वोल्ट आपको गिवन था, पावर 1000 गिवन है, सो ये 1000 हमने लगाया, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द रेसिस्टेंस एज 10 ओम. सो द जो रेसिस्टेंस आपका इसका आ गया वो भी 10 ओम है. हमारे हीटर का जो रेसिस्टेंस आया है वो 10 ओम आ गया. अब रेसिस्टेंस हमें पता है, लेकिन जो पावर, जिस पावर पे ये ऑपरेट कर रहा है, ये तो गिवन पावर थी, ये जो पावर है ये आपकी गिवन पावर है, जो इसकी वैल्यू थी एक्चुअल में, लेकिन जो पावर पे ये ऑपरेट कर रहा है वो है 62.5, यानी कि पावर ड्रॉप हुआ इस एक्चुअल वैल्यू से, कुछ पावर ड्रॉप हो गई. तो अब हम निकालते हैं कि उस ड्रॉप द पावर के लिए पोटेंशियल कितना होगा. तो पावर का फॉर्मूला अगेन हमने वही लगाना है, वी स्क्वेयर बाय आर, लेकिन अब की बार जो आर आपने यहाँ से निकाला वो आप यहाँ पुट करेंगे, लेकिन ये इसको हम पावर डैश कह देते हैं, मतलब ये एक्चुअल ऑपरेटिव पावर है जो ये वाली थी 62.5, और ये वी डैश जो है वो हमें वो वैल्यू देगा जो 100 वोल्ट्स हमने अप्लाई की थी इसके अंदर. सो हम लेट अस वही वोल्ट्स हमें निकालना है. सो वी की वैल्यू निकालते हैं, पी डैश इंटू आर. पी डैश हो गया आपका 62.5 इंटू आर, आपकी वैल्यू रखी थी हमने जो कैलकुलेट की वो आ गई आपकी 10, और इसको आप अंडर द रूट कीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस वोल्टेज दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 25 वोल्ट. तो यानी इस पोर्शन के अक्रॉस एक्चुअल पावर तो 1000 थी, लेकिन इस हीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज, इसको वी डैश बोल देते हैं, दैट वोल्टेज इज कमिंग आउट एज 25 वोल्ट. यानी हमें रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल पता चल गया, दोनों केस हो गए हैं. अब रेजिस्टेंस का पोटेंशियल पता चल गया तो नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द करंट. अब हमें करंट फाइंड आउट करना है. इस टोटल का पोटेंशियल 100 था, इधर का पोटेंशियल 25 है, तो रिमेनिंग दिस साइड का पोटेंशियल कितना हो गया? 75 वोल्ट. हमें इसका पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल ड्रॉप जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो मालूम है, और रेजिस्टेंस पता है, तो हम करंट निकाल सकते हैं. सो द करंट अक्रॉस 10 ओम, जो यहां पर आपका 10 ओम रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस करंट, इस 10 ओम के अक्रॉस करंट जो थी, हीटर की बात नहीं हो रही है, 10 ओम रेसिस्टर की बात हो रही है, वो कितना हो गया? वोल्ट पोटेंशियल बाय रेसिस्टेंस. पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना है 10 ओम के अक्रॉस? 75, और रेसिस्टेंस कितनी आपको दे रखी है? 10 ओम. तो पोटेंशियल आ गई आपकी 7.5, सॉरी करंट आ गया आपका 7.5 एम्पियर. करंट ये टोटल हमें पता है, अब हीटर के अक्रॉस करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों आर्म्स में करंट डिवाइड हो जाना चाहिए. ये 7.5 एम्पियर करंट जो यहाँ आ रहा था वो इस आर्म में कुछ गया होगा और इस आर्म में कुछ गया होगा. इस आर्म के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस भी पता है और उसका पोटेंशियल भी पता है, तो हम उसके अक्रॉस करंट निकाल सकते हैं. तो करंट अक्रॉस हीटर निकाल लेते हैं, वो हो गया वी बाय आर अगेन, लेकिन उस वी डैश, ये वी डैश निकाला था हमने 25, और आर कितना इसका था, उसका भी हमारा 10 ही निकला था, तो हो गया 2.5 एम्पियर. तो यानी कि अगर 7.5 में से 2.5 इस आर्म में चला गया तो इस आर्म में कितना बचा होगा? 5 एम्पियर. तो करंट अक्रॉस आर, कैपिटल आर जो था वो कितना हो गया? 5 एम्पियर, विच यू कैन शो एज 7.5 में से 2.5 गया, दैट इज इक्वल टू योर 5 एम्पियर. अब करंट भी आपके पास आ गया है, पोटेंशियल हमें पता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 25 है, तो नाउ वी कैन कैलकुलेट आर. देयरफॉर आर, देन दिस आर विल बी वी डैश, जो आपकी वी डैश थी 25, बाय दिस करंट आई ऑफ आर, एंड दैट इज 25 बाय 5, विच इज इक्वल टू 5 ओम. दिस इज द फाइनल आंसर. वी कैन सी अनदर क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, यू आर गिवन विद 5 डिफरेंट सिचुएशन, और हर एक सिचुएशन के लिए आपको करंट की वैल्यू भी दी गई है, 0.42, 0.6, 1.05, 1.4 एंड सो ऑन. सिचुएशंस क्या हैं कि जब आपने सर्किट कनेक्ट किया है विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, यानी कि ईएमएफ के साथ कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्टेड नहीं था, देन दूसरे में किया कि ईएमएफ के साथ रेसिस्टेंस कनेक्टेड था R1,
फिर रेसिस्टेंस कनेक्टेड था एक केस में R2, फिर दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे और फिर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे। और ये भी गिवन है कि R2 इज ग्रेटर देन R(1). इन सभी के लिए आपको वैल्यू किस किस की निकालनी है, जितना EMF था वो, इंटरनल रेसिस्टेंस EMF का क्या था वो, R1 क्या था और R2 क्या था। तो हमारे पास 5 डिफरेंट केसेस हैं, 5 डिफरेंट केसेस के अंदर हमने सेम रेसिस्टर्स को अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम इनकी डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बना लेते हैं। तो करंट का फॉर्मूला होता है टोटल EMF बाय टोटल करंट। तो अगर हम केस वन लें, फर्स्ट केस लेते हैं, तो फर्स्ट केस में आपके पास I किसके बराबर हो गया, वो हो गया E टोटल, क्योंकि एक EMF मान लेते हैं जो भी था टोटल EMF, और उसके अक्रॉस कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं था, इसका मतलब सिर्फ एक्सटर्नल बच गया, सॉरी विदाउट एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल नहीं था, इंटरनल बच गया, ओनली इंटरनल बचा। अब जब इंटरनल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस तो हमेशा आपका स्मॉल होता है कंपैरेटिवली, तो बाकी कंपैरिजन में देखते हैं हम कितना रेसिस्टेंस इसके अक्रॉस आ सकता है। तो अगर ये कम वैल्यू होगी, इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस केस में देखिए मैक्सिमम करंट कहाँ है, ये 4.2, सो दिस शुड बी इक्वल टू 4.2, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा स्मॉल लेते हैं। सेम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन में उसने बोला है कि यू आर कनेक्टेड विद R1, यानी अब की बार रेसिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, तो स्मॉल R तो है ही, उसके साथ R1 कनेक्ट हो गया, लेकिन R1 इज स्मॉलर देन R(2), तो R1 स्मॉल है, यानी कि अब ये सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू देख लेते हैं, ये सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू इज 1.4, लेकिन यहाँ मुझे दिखा कि यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोला हुआ है, लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस होता है वो और भी कम होगा, R1 से भी कम होगा, तो इसीलिए ये वैल्यू नहीं बल्कि इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो लेते हैं हम, दैट इज 1.06। ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि किस कॉम्बिनेशन में क्या वैल्यू आ सकती हैं। थर्ड वैल्यू देख लेते हैं I की, वो आ गई E/R + R(2), तो R2 R1 से बड़ा है, तो अगर R2 आपके पास बड़ा है तो इसके लिए जो वैल्यू आ जाती है 0.6। देन I जो है हम फोर्थ केस में लेते हैं, जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वैल्यू हमेशा ऐड हो गई, बढ़ गई, तो अब जो आपका रेसिस्टेंस वैल्यू है कि वो सबसे कम वाली होगी, तो 0.42 वाली। तो अब आया E/ सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R+R1+R2, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया, और इस वक्त करंट होगी 0.42 एम्पियर। और लास्ट केस यानी फिफ्थ केस जिसको हम ले रहे हैं, उस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, आपके पर वो R1 R2 को पैरेलली कनेक्ट कर रहा है, तो फिर करंट इस बार कितना आया होगा, वो होगा आपका EMF, टोटल EMF जो भी था स्मॉल r। अब कॉम्बिनेशन पैरेलल का फॉर्मूला लेते हैं R1 R2 / R1+R2, और क्योंकि ये वैल्यू कम, ये सबसे मतलब आपने क्या किया था, यहाँ पर सिर्फ R ऐड किया था, तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से भी कम होती है, तो ये कम हुई, और कम होने पर आपने कुछ ऐड भी कर दिया, जैसे R यहाँ पर भी ऐड हुआ, यहाँ पर भी ऐड हुआ, तो दिस R विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन ये सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू होगी, सो 1.4, क्योंकि सबसे कम करंट अगर हम देखा जाए तो कहाँ होगा, जहाँ पर आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब R1 R2 आप ऐड करोगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, अगर R मैक्सिमम यानी नीचे नेट रेसिस्टेंस अगर मैक्सिमम हो तो करंट मिनिमम हो गया, अगर सिर्फ R है तो करंट रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया और करंट मैक्सिमम हो गया, तो यानी 4.2। तो ऐसे ही हमने कंपेयर करके इनकी वैल्यूज़ डिसाइड की कि I1 I2 की वैल्यू क्या थी, मतलब ये वैल्यूज़ तो दे रखी थी बट ये रिस्पेक्टिवली नहीं दे रखी हैं, ये इन सेम ऑर्डर नहीं दी हुई हैं कि जिसके सामने जो वैल्यू बोली है वो लिख दिया। अब हमें निकालना है EMF स्मॉल इंटरनल रेसिस्टेंस R1 एंड R2। तो हमारे पास देखो 5 इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनको हम किसी भी इक्वेशन का दूसरे से रेशियो लेते हैं इस तरीके से कि वेरिएबल हमारे पास मिनिमम बचें। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इक्वेशन का और थर्ड इक्वेशन का, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो ले लेते हैं और फर्स्ट और थर्ड का भी ले लेते हैं। तो फर्स्ट को अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन फर्स्ट को बाई 2, तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है, अगर मैं इसका रेशियो इसके साथ ले रही हूँ तो ये बन जाएगा R(1) डिवाइडेड बाई स्मॉल r, क्योंकि ई एंड ई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन आ जाती है 4.2/1.05। सेम वे जब आप फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं थर्ड के साथ, तब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू आ जाती है R+R2 डिवाइड बाई स्मॉल r, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, अब दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी 4
4.2 डिवाइडेड बाय 0.6। हाँ, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, वैल्यू रेशो आ गई। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कीजिए सो एज टू कैलकुलेट फॉर R1, और यहाँ से आप R2 के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। दोनों इक्वेशन मतलब R1, यहाँ पर जो वैल्यू आती है R1 की वो मैं लिख देती हूँ, दैट विल कम आउट टू बी 3R, और यहाँ जो वैल्यू आती है R2 की दैट विल कम आउट टू बी 6R। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3R एंड 6R वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम रखते हैं और आपस में अगर हम कंपेयर कर दें, एक में से वैल्यू निकालो दूसरे की पुट कर दो, तो ये वैल्यूज़ आपके पास इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएंगी। यहाँ तक कि हम यहाँ से भी एक इक्वेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ E इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4.2R। तो इस इक्वेशन से हमारे पास एक और इक्वेशन आती है, MEF इज इक्वल टू 4.2R के इक्वल एक इक्वेशन आती है। नाउ वी हैव R1 ऑल्सो, R2 ऑल्सो एंड E ऑल्सो। तो किसी भी एक इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन अगर हम ले लें सीरीज कॉम्बिनेशन वाली, तो इस इक्वेशन में R1, R2 की वैल्यू और E की वैल्यू पहले यहाँ से पुट करते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा वो रहेगा R। तो हम पुट करके देख लेते हैं, E की वैल्यू पुट करते हैं 4.2R, स्मॉल r तो एज इट इज़ है, R1 की वैल्यू पुट करते हैं 3R, R2 की वैल्यू पुट करते हैं 6R, और ये सब किसके बराबर था, 0.42। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R, स्मॉल R की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। देन इट्स वेरी सिंपल, हर एक के अंदर R1 के अंदर 1 ओम की वैल्यू पुट कीजिए तो R1 आ गया आपके पास 3, R2 के अंदर 1 ओम की वैल्यू पुट कीजिए R2 आ गया आपके पास 6, और इसके अंदर भी 1 की वैल्यू पुट कीजिए तो EMF आ गया हमारे पास 4.2। और ये हमारे सब आंसर्स आ जाते हैं, दीज आर ऑल दी आंसर्स। सो विद दिस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू।